देखिए पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में ड्रैन नंबर 4 से इलिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आसपास के जो डेरों के लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वो देख रहे हैं कि काफी सालों से यहाँ पर जो पीर बाबा का अब पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है, पीर बाबा की मजार, पीर बाबा का आशियाना। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह के आड़ में सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं और फिर धर्म का नाम लेकर धर्म की आड़ में सोचते हैं कि उसके ऊपर कार्रवाई प्रशासन जल्दी नहीं करेगा। तो इसी तरह से काफ़ी संख्या में जो सरकारी ज़मीनें हैं उसके ऊपर कब्जा हो चुका है सिर्फ और सिर्फ धर्म की आड़ में। और आज प्रशासन की एक कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई, असंध के अंदर, असंध से सालवन मार्ग की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर इलिगेशन डिपार्टमेंट के द्वारा और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में बरसों पुराने पीर पर चल चुका है प्रशासन का बुलडोजर। देखते ही देखते इस मजार को अब ध्वस्त कर दिया गया है। सुभाष नाम का एक शख्स जिन्होंने इसकी शिकायत प्रशासन को दी और काफ़ी समय से पहले भी इसकी शिकायतें लगातार प्रशासन के पास पहुंच रही हैं। सीएम विंडो में भी इसकी शिकायत की गई थी, लेकिन फिर हम बात करें कि धर्म का नाम लेकर, धर्म की आड़ या धर्म का सहारा लेकर इस तरह से सरकारी ज़मीनों के ऊपर कब्जे लगातार हो रहे हैं और अब ज़रूरत है तो सिर्फ उनके ऊपर सख्त से सख्त और जल्द से जल्द एक्शन लेने की। असम से सलमान मार्ग की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर चला है पीर बाबा की मजार पर। लोग डरते हैं अक्सर जब इस तरह के काम होते हैं, लोगों के अंदर एक धारणा होती है पीर पता नहीं क्या कर देगा घर में, परिवार में, कारोबार में, लोग सोचते हैं। लेकिन जब कार्रवाई होती है तो पीर पता नहीं कौन सी गली से निकल कर चला जाता है, पता नहीं कहाँ जाकर छुप जाता है, क्योंकि ये सब टोने टोटके ढकोसले हैं। अगर आपने कोई निर्माण करना है तो आप उसके लिए सरकार से मदद ले, सरकार से ज़मीन ले, हायर करे, नाजायज़ कब्जा नहीं चलेगा। नाजायज़ कब्जा करने से फिर आपको इस तरह से खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। थोड़े दिन तक तो आप तो उस पर काबिज हो सकते हो, लेकिन उसका परिणाम ठीक आपके सामने है, ऐसा ही होगा देर सवेर से ही सही। लेकिन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई, सालवन रोड स्थित एक पीर पर दरगाह थी यहाँ पर, ये हम इसको जात पात से जोड़कर नहीं देखते, सभी मंदिर मस्जिद सभी एक हैं। लेकिन अवैध कब्जा जो होता है तो इस तरह के जो धार्मिक स्थान है उनकी आड़ में होता है ये अवैध कब्जा। और जो बुलडोजर वाला है अधिकारी यहाँ पर आए हैं वो पूरी तरह से मन बना कर आए हैं, कुछ मुच्ची ही कार्रवाई करके चले गए। कहते हैं जो नींव है ना, नींव वो भी उखाड़ दिए यहाँ से, ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। जिस तरह से आज प्रशासन ने कार्रवाई की है, बन चुका है उजड़ खाना। आप देख रहे हैं BN24 और मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। जो लोग अक्सर यहां से आते हैं, जाते हैं, गुजरते हैं, हालांकि एक बात और हम आपको बता दें कि जब ये सड़क का निर्माण किया गया था तब इसको हटाया नहीं गया था, इसको थोड़ा पीछे कर दिया था कि थोड़ा पीछे हो जाएगा तो ठीक है, लेकिन आज इसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह के विचार होते हैं, तरह तरह की सोच होती है, आस्था होती है। आने जाने वाले लोग यहाँ से गुजरते हैं तो इसको नमस्कार भी करते हैं। तो कुछ लोग जैसे कि आज हम बात करें जिन्होंने शिकायत की थी वो ये भी सोचते थे कि ये अवैध कब्जा है और उसको जल्द से जल्द प्रशासन ने इसके ऊपर कार्रवाई कर देनी चाहिए, आज उनकी इच्छा भी पूरी हो चुकी है।
तो आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दें। बने रहने के लिए आपके के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक जाने से पहले हम अपील जरूर करेंगे, यदि आपके आसपास भी इस तरह के कोई अवैध कब्जा सरकारी ज़मीन पर किया हुआ है तो आप उसकी शिकायत प्रशासन को जरूर करें, क्योंकि धीरे धीरे इस तरह से सरकारी ज़मीनों के ऊपर धर्म की आड़ में बहुत बड़ा खेल चल रहा है, बहुत बड़ा, जिसकी आप लोग सोच भी नहीं सकते इतना बड़ा खेल चला हुआ है। क्यों? क्योंकि बाद में इसको एक धर्म से जोड़ देंगे, एक समाज से जोड़ देंगे, एक हिंदू मुस्लिम सिख से जोड़ देंगे, इस तरह से मतलब फिर प्रशासन भी कहीं ना कहीं पीछे हट जाता है जब संप्रदायता की बात आती है। लेकिन जब लोग इस तरह का विरोध करेंगे, आवाज़ उठाएंगे, शिकायत करेंगे तो प्रशासन को भी हौसला मिलेगा और प्रशासन अपनी कार्रवाई अच्छी तरह से कर भी पाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ के आसपास के जो लोग हैं वो प्रशासन की मदद कर रहे हैं। हजरत सैयद एक मुस्लिम नाम यहाँ पर ये जो दरगाह बनी हुई थी, हजरत पीर बाबा हजरत सैयद, अब वो पीर बाबा हजरत सैयद ये देखिए तिनका तिनका बिखर चुका है इस हजरत सैयद पीर का, जो ये दरगाह बनी हुई थी पूरी तरह से मंसूबे साफ हैं कि कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों जैसा कि हम बात कर रहे थे, ये जो पीर की मज़ार है पहले यहाँ हुआ करती थी काफ़ी साल पहले, और जब ये सड़क का निर्माण किया गया तो तब उसको थोड़ा शिफ्ट कर दिया गया, यहाँ से उठाकर वहाँ पर बिठा दिया गया था। और अब देखते हैं ये कहाँ बैठेगा, कहाँ उठेगा और कहाँ पर लेटेगा।